इस वीडियो सीरीज में हम समझ रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्क्रैच में कैसे अप्लाई होती हैं हमने पिछले वीडियोस में देखा कि स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सिंपली एक कमांड है उसको स्टेटमेंट कहते हैं और स्क्रैच में लुक्स ब्लॉक्स मोशन ब्लॉक्स और साउंड ब्लॉक्स स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं हमने ये भी देखा कि इवेंट्स क्या होते हैं ईवेंट्स सिग्नल करते हैं कब एक सेट ऑफ कमांड्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो फिर लूप्स को देखा कि जब एक सेट ऑफ़ कमांड्स रिपीट हो रही होती हैं तो हम उसको एक लूप के अंदर डाल देते हैं स्क्रैच में रिपीट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एक किस्म का लूप है और फॉर एवर रिपीट एक और किस्म का लूप है इस वीडियो में हम बोलियन एक्सप्रेशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर नेस्टेड स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स को समझते हुए उस प्रोग्राम को और इम्प्रूव करेंगे बोलियन मैथमेटिक्स जो है वो एक किस्म की मैथमेटिक्स है जिसकी आउटकम या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है एक कमांड या एक सेट ऑफ कमांड जो हैं वो एग्जीक्यूट तब हो जब कोई बोलियन एक्सप्रेशन या तो ट्रू हो या फॉल्स हो बोलियन एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स स्क्रैच में हैं ऑपरेटर ब्लॉक्स जैसे लेस दैन ग्रेटर दैन या इक्वल टू या सेंसिंग ब्लॉक्स व्हेन समथिंग इज टचिंग अ पर्टिकुलर कलर और व्हेन वन कलर इज टचिंग अनादर कलर माउस डाउन ये सब बोलियन एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं और बोलियन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम कंडिशनल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं हमने पहले समझा था कि स्टेटमेंट्स केवल एक सेट ऑफ कमांड है बट कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कि उनका एग्जीक्यूशन तब हो जब कोई कंडीशन बुलियन लॉजिक पे बेस्ड या तो ट्रू हो या फॉल्स हो स्क्रैच में इफ़ देन स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन दी है वो अगर ट्रू है तभी जो भी कमांड्स हमने इस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर डाली हैं वो एग्जीक्यूट होंगी रिपीट अनटिल वेट अनटिल और इफ़ देन एल्स स्क्रैच में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के और एग्जाम्पल्स हैं हम स्क्रैच में एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख कर बोलियन लॉजिक और कंडीशन स्टेटमेंट्स को समझते हैं हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि कोई नंबर हम इनपुट करें तो हमारा प्रोग्राम बताए कि वह पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है तो इसके लिए हम कंट्रोल में जाके एक इफ़ स्टेटमेंट लाते हैं और ऑपरेटर्स में जाके एक ग्रेटर देन का ऑपरेटर लाते हैं और हम कह क्या रहे हैं कि अगर कोई नंबर मान लिया जाए हमने टेन एंटर किया तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है कि इज टेन ग्रेटर देन फिफ्टी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है और अगर मैं यहाँ नंबर सिक्सटी डालता हूँ और अब हमारा बुलियन ऑपरेटर चेक कर रहा है कि इज सिक्सटी ग्रेटर देन फिफ्टी एंड दैट्स ट्रू तो इस तरीके से बुलियन ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स हैं तो अगर हम इसको इफ देन स्टेटमेंट में इस बुलियन एक्सप्रेशन को डाल रहे हैं तो ये हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट बना प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब लुक्स में जाके हमारा प्रोग्राम कहेगा कि अगर इनपुट किया गया नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो पॉजिटिव नंबर है तो अब अगर हम यहाँ पे एक नंबर डालते हैं फाइव और हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि दैट्स अ पॉज़िटिव नंबर और अगर हम यहाँ एक वैल्यू डालते हैं लेसे माइनस सिक्स तो अगर हम तब रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं कह रहा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है इसलिए जो भी कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी तो अगर हम इसको वापस कंट्रोल में जाके एक इफ देन एल्स का स्टेटमेंट लाते हैं और अब हम यही ऑपरेटर यहाँ डाल रहे हैं तो हम अब हमारा प्रोग्राम जो है इफ देन एल्स के स्टेटमेंट के साथ हमने ये प्रोग्राम लिख रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू जो है जो भी हम डालेंगे वो ग्रेटर दैन जीरो है तो कहना दैट्स अ पॉजिटिव नंबर और अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट में आ जाना तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो हम यहाँ कह देंगे कि अगर वो नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि वो लेस देन ज़ीरो नंबर है तो दैट्स अ नेगेटिव नंबर अब अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं हमने यहाँ अगर वैल्यू डाली माइनस नाइन्टी और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो हमारा प्रोग्राम कह रहा है दैट्स अ नेगेटिव नंबर और अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो वो कह रहा है कि दैट्स अ पॉजिटिव नंबर अगर हम नंबर डालते हैं ज़ीरो तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कह रहा है दैट्स अ नेगेटिव नंबर वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि इज़ ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो फॉल्स है इसलिए वो एल्स की कंडीशन पे जा रहा है पर हम जानते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो हम प्रोग्राम में एक थर्ड कंडीशन भी डालना चाहेंगे कि अगर इनपुट किया गया नंबर ज़ीरो है तो हमारा प्रोग्राम कहे कि वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है वो ज़ीरो है इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम दो और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट को समझते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट्स जब हम इफ़ देन एल्स के अंदर और इफ़ स्टेटमेंट्स डालते हैं तब वो एक नेस्टेड स्टेटमेंट बन जाता है और दूसरी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं वेरिएबल्स की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को आप एक स्टोरेज बॉक्स की तरह समझ सकते हो जो ये वेरिएबल है इसमें नंबर स्टोर हो सकता है टेक्स्ट स्टोर हो सकता है या अल्फा alpha न्यूमेरिक और न्यूमरल्स दोनों मिलकर जो एक्सप्रेशन बनता है अल्फा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी स्टोर हो सकता है स्क्रैच में जो वेरिएबल्स हैं वो इस किस्म की एक इलागेटेड सर्कल की शेप लेते हैं और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्क्रैच में वेरिएबल्स के तो हम नेस्टेड स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स यूज़ करके ये प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि अगर यूज़र जो है वो ज़ीरो इनपुट करेगा तो हम बोल देंगे कि वो ज़ीरो है या पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव तो इसके लिए सेंसिंग में जब हम चाहते हैं कि यूज़र कोई इनपुट दे और हम उसको टेस्ट करें तो एक ब्लॉक है जो है आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट एंड व्हाट्स योर नेम के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट अ नंबर और हम इसको यहाँ डाल रहे हैं वेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक इनपुट अ नंबर एंड वेट तो अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ तो ये हमारा स्प्राइट कह रहा है इनपुट अ नंबर और अब एक ये रिस्पॉन्स की वेट कर रहा है जो भी यूजर इनपुट करेगा और यूजर जो भी इनपुट करेगा वो ये जो आंसर एक वेरिएबल है जो ऑटोमेटिकली स्क्रैच में प्री क्रिएटेड है जो भी इनपुट यूज़र एंटर करेगा वो इस आंसर नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ टेन और एंटर तो ये आंसर जो है इसकी वैल्यू हो गई है टेन आंसर नाम की वेरिएबल की वैल्यू हो गई है टेन अगर मैं यहाँ कहता हूँ माइनस एटी नाइन तो आंसर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने कहा कि वेरिएबल एक स्टोरेज स्पेस है वो लास्ट जो भी वैल्यू है उसको रखता है तो उसकी अब वैल्यू हो गई है एटी नाइन तो अब हम क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं हम यूज़र से बोलेंगे कोई नंबर इनपुट करो और कंप्यूटर उसको आंसर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेगा फिर हम चाहते क्या हैं कि टेस्ट ये हो कि ये जो भी आंसर है हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो अब हम इस आंसर वेरिएबल को यहाँ एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि इफ आंसर इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन से इट्स अ पॉजिटिव नंबर फिर एल्स की कंडीशन में जाके हम एक और इफ़ की कंडीशन ला रहे हैं और हम यहाँ कह रहे हैं ऑपरेटर में जाके कि इफ़ जो आंसर था इज़ लेस देन ज़ीरो देन से इट्स अ नेगेटिव नंबर और अब एक और हमारे पास कंडीशन है ज़ीरो वाली तो हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जो कंडीशन है कि आंसर इज़ जो भी इनपुट uh, किया गया है नंबर जो आंसर नाम के वेरिएबल में सेव हुआ है वो ना तो ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन ज़ीरो है यानी कि वो ज़ीरो होगा तब हम कह देंगे यू हैव एंटर्ड ज़ीरो अब अगर हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो इनपुट अ नंबर हमने अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर कहा तो आंसर आया कि दैट्स अ पॉजिटिव नंबर अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर किया और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है अगर ये किया तो आंसर आया दैट्स ए नेगेटिव नंबर और अगर हमने ज़ीरो किया तो हमारा आंसर आया यू हैव एंटर ज़ीरो तो ये जो हमने अब लिखा है ये एग्ज़ाम्पल है ये प्रोग्राम एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ हमने वेरिएबल को समझा नेस्टेड स्टेटमेंट्स को समझा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझा ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको यूज़ करते हुए आप काफ़ी एडवांस प्रोग्राम्स लिख सकते हैं